सऊदी अरब का वह बादशाह जिसका अगर कत्ल ना होता तो आज इसराइल का नामो निशान ना होता। मैं बात कर रहा हूँ किंग फैसल अल सऊद की, जो 1964 से 1975 तक सऊदी अरब के बादशाह रहे। उस्मानिया सल्तनत के खात्मे से लेकर अब तक अरब में कोई ऐसा ताकतवर बादशाह नहीं हुआ जितना कि किंग फैसल अल सऊद थे, जो यूरोपियन कंट्री की भी नहीं सुनते थे, जिनका नाम सुनकर यूरोपियन कंट्री भी खौफ में रहती थी। फैसल किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के तीसरे किंग थे। इन्हीं के वक्त में अरब इसराइल के बीच जंग हुई थी, जिसमें अगर इसराइल का साथ अमेरिका ना देता तो आज फिलिस्तीन आज़ाद होता। इसी जंग के वक्त सऊदी अरेबिया ने अमेरिका के साथ बिजनेस ना करने पर रोक लगा दी थी, जिसमें किंग फैसल ने अपने ऑयल एक्सपोर्ट को भी रोक दिया था, जिसके बदले में अमेरिका अरब से जंग करने की धमकी देने लगा। तब किंग फैसल ने अमेरिका को जवाब देते हुए तारीख के जुमले कहे कि अमेरिका हम पर पाबंदियां लगाता है तो लगाए, हमारे आबो अजदाद ने खजूरें और दूध पीकर अपनी जिंदगियां गुजार दी और हम भी यही करेंगे, लेकिन फिलिस्तीन का एक भी टुकड़ा दुश्मन को नहीं देंगे।